टीडीएम एंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीडीएम, इस वीडियो में हम बात करेंगे टीडीएम के बारे में। तो देखो, जो टीडीएम है इट स्टैंड्स फॉर थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। इसकी फुल फॉर्म होती है थेरेप्यूटिक ड्रग मॉनिटरिंग। अब इसकी डेफिनेशन की बात करें तो देखो ये क्या है, इट इज़ क्लिनिकल प्रैक्टिस ऑफ मेजरिंग ड्रग एट डेजिग्नेटेड इंटरवल टू मेंटेन अ कॉन्स्टेंट कंसंट्रेशन इन पेशेंट ब्लड स्ट्रीम। करते क्या है, हम कोई भी पेशेंट उठा लेते हैं, हमने एक्स वाई जेड कोई पेशेंट उठा लिया, ठीक है, और इसका ब्लड लेते हैं, हम ब्लड सैंपल लेते हैं, क्या लेते हैं, इसका ब्लड सैंपल लेते हैं, ठीक है, एट डेजिग्नेटेड इंटरवल। यहाँ लिख रहा है डेजिग्नेटेड इंटरवल, यानी कि हमें पहले से ही पता होता है कि हर दो घंटे में इसका ब्लड सैंपल लेना है, और उसके अंदर मेजर करते हैं किसकी कंसंट्रेशन, ड्रग की कंसंट्रेशन, कि इस पेशेंट के ब्लड के अंदर के ड्रग की कंसंट्रेशन सही है नहीं है। हर दो घंटे में उस पेशेंट का बेचारे का खून निकालेंगे, उसके अंदर ड्रग मेज़र करेंगे, और ऐसा करना ज़रूरी होता है। क्यों ज़रूरी होता है, क्योंकि हमें ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है। क्या करनी है, मेंटेन अ कांस्टेंट कंसंट्रेशन इन पेशेंट ब्लड स्ट्रीम, हमें ब्लड के अंदर पेशेंट की ड्रग की कंसंट्रेशन मेंटेन करनी है, ठीक। अब एक चीज़ जो आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, ये क्या है, इट इज़ मॉनिटरिंग ऑफ प्लाज्मा ड्रग लेवल। हम मतलब ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा, क्योंकि प्लाज्मा ब्लड के अंदर ही होता है, ठीक है, तो प्लाज्मा के अंदर ड्रग का लेवल हम मेजर करने का काम करते हैं। अब बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग टीडीएम, कि फैक्टर कौन कौन से हैं जो टीडीएम को अफेक्ट कर रहे हैं, किसकी वजह से टीडीएम अफेक्ट हो सकता है। देखो, तो फैक्टर अफेक्टिंग टीडीएम में सबसे पहला जो फैक्टर है वो है पेशेंट डेमोग्राफिक्स। पेशेंट डेमोग्राफिक्स के अंदर आते हैं एज, जेंडर, कि पेशेंट की एज क्या है, पेशेंट कम एज का ज़्यादा का है, जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, हिस्ट्री, ठीक है, कि पेशेंट कहाँ से बिलोंग करता है, ऑक्यूपेशन, कौन सा काम करता था पेशेंट, एड्रेस, ठीक है, पास्ट ट्रीटमेंट, कि पहले पेशेंट ने कोई ट्रीटमेंट लिया है या नहीं लिया है, कोई और डिसीज़ रही है पास्ट में, नहीं रही है, तो वो सब कुछ पेशेंट डेमोग्राफिक्स के अंदर आता है, ठीक है। और ये अफेक्ट कर सकते हैं किसको, टीडीएम को। कैसे अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि भाई अगर पेशेंट को पहले कोई डिसीज़ होगी या पहले कोई उसने ट्रीटमेंट ले रखा होगा, तो हो सकता है वो ड्रग अब भी मौजूद हो उसके अंदर, ब्लड के अंदर, जो टीडीएम को अफेक्ट कर रही हो, ठीक है। दूसरा है हमारे पास पैथोलॉजिकल फैक्टर। तो पैथोलॉजिकल फैक्टर के अंदर हमारे पास कौन सी चीज़ आती है, इसके अंदर आती है हमारी जैसे वॉमिटिंग, डायरिया, और कोई अगर इन्फ्लेमेटरी बाउल डिसीज़ है पेशेंट को, तो ये भी क्या कर सकती है, अफेक्ट कर सकती है। किसको अफेक्ट कर सकती है, टीडीएम को। इसके बाद थर्ड है अल्कोहल एंड टोबैको यूज़। अगर पेशेंट अल्कोहल ले रहा है, पी रहा है, ठीक है, और या फिर टोबैको यूज़ कर रहा है, स्मोकिंग करता है, ठीक, तो ये भी अफेक्ट कर सकती है टीडीएम को। कैसे, दे कैन डिक्रीज द कंसंट्रेशन ऑफ ड्रग इन द ब्लड, ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन डिक्रीज कर सकती है। एग्जांपल के तौर पे फेनिटोइन और थियोफाइलिन, ये दो ड्रग ऐसी हैं जिनका कंसंट्रेशन कम हो जाता है। फेनिटोइन को अगर आप अल्कोहल के साथ लोगे तो इसका कंसंट्रेशन कम होगा, किसका, फेनिटोइन का, अल्कोहल का नहीं, ठीक है। दूसरा थियोफाइलिन को अगर आप टोबैको के साथ लोगे तो थियोफाइलिन की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, ठीक। इसके बाद फोर्थ है हमारे पास प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग ऑफ ड्रग्स, ठीक है। कुछ ड्रग ऐसी होती हैं जो प्लाज्मा प्रोटीन के साथ बाइंड कर लेती हैं, तो जो ड्रग बाइंड कर लेंगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ, तो दे आर नॉट अवेलेबल। तो जो ड्रग बाइंड कर लेंगी प्लाज्मा प्रोटीन के साथ वो अवेलेबल नहीं होंगी, और वो अफेक्ट कर सकती है किसको, टीडीएम को, थेरेप्यूटिक एंड ड्रग मॉनिटरिंग को। इसके बाद फिफ्थ है सैंपलिंग एरर। हो सकता है कि जो आपने सैंपल लिया है उसी के अंदर कुछ एरर आ गया हो, ठीक है, सैंपलिंग करते वक्त कोई एरर आ गया हो, तो इफ़ टीडीएम रिजल्ट इनकम्पैटिबल विद ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, कि आप कि वही पेशेंट ने अभी अभी ड्रग ली है और जब भी जो टीडीएम का रिजल्ट है वो इनकम्पैटिबल है, मतलब उसके हिसाब से नहीं आ रहा, तो हो सकता है सैंपलिंग में ही आपके कुछ खराबी हो, आपने जल्दी सैंपल ले लिया हो, ठीक है। सिक्स्थ पॉइंट है सैंपलिंग टाइम। तो सैंपलिंग टाइम कहता है कि टाइम एंड डेट ऑफ द लास्ट डोज, कि जब आपने आखिरी बार पेशेंट को गोली दी है, और दूसरा सैंपलिंग जब करा है, दोनों का टाइम और डेट पता होना चाहिए, ठीक है, मस्ट बी नोन। क्यों, क्योंकि भाई अगर आपने अभी पेशेंट को गोली दी और साथ ही साथ आप सैंपल लेके ब्लड का और टेस्ट कराने पहुंच गए, तो कहाँ से उस ब्लड के अंदर ड्रग की कंसंट्रेशन आएगी, भाई अभी एब्जॉर्प्शन होने में कम से कम एक घंटा लगेगा, ठीक है, तो इसलिए सैंपलिंग टाइम पता होना चाहिए, ठीक है, सैंपलिंग टाइम, ठीक। तो ये थी बात हमारी फैक्टर्स अफेक्टिंग टीडीएम के बारे में।